एसडीएम इंटर कॉलेज में वरिष्ठ नागरिक अभिनंदन और विशेष प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। अतिथि वृंद ने माँ शारदा के प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। एसडीएम इंटर कॉलेज की छात्राओं ने माँ सरस्वती की वंदना प्रस्तुत कर सबका मन मोहा। समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा वेज अलंकरण और पुष्प गुच्छ द्वारा स्वागत किया गया। साथ ही इस अवसर पर एसडीएम इंटर कॉलेज की छात्राओं द्वारा भव्य स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया, जिसकी अतिथियों ने सराहना की। समिति के सचिव, पूर्व पार्षद और महामहिम राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त देवराज सिंह चौहान ने समिति की आख्या प्रस्तुत की, जिसमें समिति द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्यों का संक्षिप्त में वर्णन किया गया और भविष्य के लिए कपूर कंपनी पुल का चौड़ीकरण, राज्य कन्या डिग्री कॉलेज की स्थापना और लाइन पार की आबादी को देखते हुए एक अस्पताल का निर्माण होना अति आवश्यक है। मुख्य वक्ता के रूप में हरि प्रकाश शर्मा ने समिति के कार्य की सराहना की। निकलने के लिए भी वो चौराहा बंद कर दिया गया, निसंदेह कि आप लोगों की और हमारी कमजोरी का प्रतीक है। या तो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी या राजनेता लाइन पार की जो शक्ति है उसके मूल्यांकन करने में कहीं उन्होंने चूक की है, अन्यथा 3.5 लाख की आबादी और आप उस चौराहे से पैदल निकलने के लिए भी वंचित कर रहे हैं। निसंदेह हमें अपनी शक्ति को एक बार सजोना होगा, एक बार टटोलना होगा। केवल लाइन पार की जो पहचान है वो केवल इस बात के ऊपर आकर टिक जाए कि हम लाइन पार कमेटी समिति में वोटों की गिनती करकर इन राजनेताओं को वहां तक पहुंचाते हैं। केवल वोट गिनने का अधिकार हमारा नहीं है, उन वोटों का हिसाब मांगने का भी अधिकार हमारा है। उसके लिए बेहद सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। अब प्रश्न कब कंपनी के पुल पर आकर टिकता है, वो कौन सी महान आत्मा थी जिसने पुल तो बंद कर दिया, लेकिन आज 2 महीने हो गए, ये आपकी शांति का, ये आपकी धैर्य का प्रतीक है कि आज तक न रेलवे ने न नगर निगम ने उसका पुल ले आउट किया, इसका पुल का नक्शा नहीं बनाया है। ये पुल इतना आसान नहीं है कि आपने पानी की बोतल खोली और पानी पी लिया। जब ये पुल का प्रोजेक्ट फाइनल होगा उसके बाद भी ये मान के चले कि कम से कम 8 महीने या 1 साल का समय, क्योंकि जिस तरीके से सरकार की गति इन दीवारों में ईंट लगाती है उस हिसाब से ये मान के चले कि ये भी संभव है कि ये 1 साल तक का लंबा सफर लाइन पार के बाशिंदों को झेलना पड़े। इसके लिए कौन दोषी है? प्रशासनिक अधिकारी आज यहाँ पर हैं, कल को कहीं और चले जाएंगे। मैं मंच पर जो डॉक्टर व्यास जी और विशेष गुप्ता जी बैठे हैं, मैं बड़े कर्वत अनुरोध के साथ कह रहा हूँ कि भावनात्मक और मानसिक और शारीरिक पीड़ा को लाइन पार को समझने का प्रयास करें और अपने स्तर से जहां तक हो सकता हो इस जो ये महत्वपूर्ण मुद्दा है इस पर सक्रिय होकर इसको कहीं ना कहीं एक गति प्रदान करें, क्योंकि पहले नक्शा पास होगा, उसके बाद मंथन होगा, उसके बाद चिंतन होगा, उसके बाद जो सरकारी एजेंसी है वो पैसा देने में नाम ऊपर करेगी, उसके बाद कहीं ये जाकर एक फाइल एक सफलता के मुकाम तक पहुंचेगी, उसके बाद ये पुल कब तेज लोगों मिलेगा ये भी एक रहस्य की गर्त में छुपा है। इसलिए मेरा उनसे अनुरोध है कि इसको भी गति प्रदान करें। वही मुख्य अतिथि सदस्य विधान परिषद डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त ने समिति की प्रशंसा करते हुए कहा कि वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान समारोह आयोजित करके उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया गया है। इसमें एक तो सीनियर सिटीजन का अभिनंदन का विषय, दूसरा विषय जो प्रतिभा संपन्न स्टूडेंट्स हैं उन्हें हमें पुरस्कृत करना, तो विशिष्ट उद्देश्य है। मैं समझता हूं कि जो पहला कार्यक्रम है यह नई पीढ़ी जिनका हम अभिनंदन कर रहे हैं उनसे अनुप्राणित होती रहे, प्रेरित होती रहे कि हमारे अग्रज, हमारे वरिष्ठ
आदर्श और मूल्यों का अनुपालन करने वाली व्यक्तित्व तो थे हैं, अभी भी हमको आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित थे। तो मैं भी शब्दों के माध्यम से उनका अभिनंदन करता हूं और उनके स्वस्थ रहने की, यशस्वी होने की और दीर्घायु होने की परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं। जो प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो तो राष्ट्र निर्माता है, और जो एप्रिसिएशन है, यद्यपि यह स्वभाव में इसका अनुपात कम हुआ है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी कम हुई है। अच्छा काम करता है तो प्रशस्ति देने वाले लोग उतने दिखाई नहीं पड़ते जितने होने चाहिए। अच्छे कामों को अगर आप प्रशस्ति प्रदान करेंगे तो अच्छाई का प्रचार प्रसार होगा। अच्छाई का प्रचार प्रसार नहीं होगा तो उसका स्थान बुराई स्वमेव लेने भी बुराई को आमंत्रण देना नहीं पड़ेगा। इसीलिए नई पीढ़ी को जिन्होंने विद्यार्थी के रूप में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं उन्हें आशीर्वाद देना ये बड़ों का दायित्व भी है। और हम तो टीचर हैं, हमारे तो सब कुछ पूंजी स्टूडेंट है। यहां अनेक प्रिंसिपल बैठे हैं, शिक्षा जगत के महानुभाव बैठे हैं, देवियां बैठी हैं। हमारी कुल जमा पूंजी। वही समिति के संरक्षक समाज सेवी प्रमुख निर्यातक प्रेमवीर सिंह ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि समिति के द्वारा किए गए कार्य लाइनपार क्षेत्र के लिए आईना है। सम्मान समारोह में वरिष्ठ नागरिक अपने को गौरवान्वित अनुभव करते हुए परिवार और समाज के लिए अच्छा संदेश प्रस्तुत करेंगे। साथ ही इस अवसर पर बाल संरक्षण आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता, डॉक्टर ए के सिंह न्यूरो सर्जन, महापौर विनोद अग्रवाल, महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्रा, डॉक्टर बी एस चौहान ने प्रेरणादायक उद्बोधन दिया। इस अवसर पर वाइस वरिष्ठ नागरिक तथा 14 विशेष प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाले लोगों में सर गंगा राम हॉस्पिटल नई दिल्ली के डॉक्टर प्रारूप गुप्ता और डॉक्टर गौरिका सिंघल भी शामिल रहे। प्रेमनगर विकास समिति के द्वारा वरिष्ठ नागरिक अभिनंदन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। हमारी यह समिति वर्ष 2004 से लगातार ये कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसमें वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया जाता है और साथ ही जो क्षेत्र के और महानगर के ऐसी प्रतिभाएं जो विशेष मतलब विशेष स्थान रखती हैं अपना, उनको भी हम जो है प्रसिद्ध पत्र देते हैं और उनका सम्मान करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि बच्चे बुजुर्गों से उनका सम्मान करना सीखें, उनसे प्रेरणा लें, अच्छे आचार विचार बच्चों के अंदर जागृत हों, और साथ ही जो बच्चे हमारे अच्छे अच्छे स्थानों पर अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं उनको भी हम सब समाज के सामने रखें कि हमारे बच्चे किसी से भी कम नहीं है। कितने लोगों को सम्मानित किया गया इस बार? हम जो है करीब 25 वरिष्ठ नागरिकों को और 20 जो है विशिष्ट प्रतिभावान व्यक्तियों को हम सम्मानित कर रहे हैं। लगातार हमारी समिति अब तक करीब 1000 जो वरिष्ठ नागरिक है और प्रतिभा सम्मान वाले प्रतिभाओं को सम्मानित कर चुकी है। हमारा उद्देश्य लगातार ये भी रहा है कि हम इस लाइन पार क्षेत्र की समस्याओं को अपने जनप्रतिनिधियों के सामने रखें, और उसका परिणाम यह भी रहा कि जो यहाँ पर ये बहुत ही उपेक्षित और पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, लगातार समिति के प्रयासों से 1984 से इस समिति की स्थापना हुई। उस समय तो सब चीज़ों का बहुत ही अभाव था यहाँ पर, और अब समिति के लगातार प्रयास करने से जनप्रतिनिधियों के सहयोग से यहाँ पर काफ़ी सुविधाएं बढ़ भी रही हैं। राजकीय कन्या इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना यहाँ पर हुई, सेकेंड एंट्री पुल का निर्माण हुआ, पानी की पेयजल व्यवस्था उचित हुई और जल निकास के लिए करुणा नाले का भी
हमारी एक समस्या ये भी थी कि रेलवे स्टेशन से और जो पुतलीगढ़ तक जाती थी एक रेलवे लाइन, उसके स्थान पर सड़क बने, तो वो भी अब जो है लगभग बनने को है, बन चुकी है काफ़ी, और उससे बड़ी सुविधा हो गई है। लेकिन अब भी क्योंकि क्षेत्र की जनसंख्या काफ़ी अधिक है, 4 लाख के करीब जनसंख्या है, और आबादी बढ़ने से समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। 2-3 समस्याएं हमारी ऐसी हैं जिनका निराकरण बहुत आवश्यक है। बालकों की शिक्षा के लिए यहाँ पर हमने राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की स्थापना कराई, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए कोई भी शिक्षा संस्थान नहीं है। हम चाहते हैं क्षेत्र में एक राजकीय बालिका डिग्री कॉलेज की स्थापना। सर एक चीज हो रहा है, पुल की लगातार। साथ ही इस अवसर पर पार्षद राजेश गुप्ता, प्रदीप कुमार प्रभाकर, सरोज सैनी, चंद्रशेखर सैनी, रजनी सिंह, माया सैनी, डॉक्टर मधुबाला त्यागी, डॉक्टर हरेंद्र सिंह का विशेष सहयोग रहा। वहीं कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सतीश चौहान ने किया और अतिथियों का आभार कार्यक्रम के संयोजक समिति के उप सचिव उदयराज सिंह ने किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान से हुआ।